हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट में एक टॉपिक है लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड हमने इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसके आगे वाले भी जो भी लिमिट टेस्ट है वो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। इसका जो प्रिंसिपल है उसमें क्या होता है कि इसमें रिएक्शन होती है बेरियम क्लोराइड की और सॉल्युबल सल्फेट की डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। जब ये रिएक्शन होती है तो जो सॉल्यूशन होता है हमारा टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसका हमें टेस्ट करना होता है लिमिट टेस्ट, उसको टेस्ट सॉल्यूशन कहते हैं, और जिसका हमें पहले से पता होता है उसको हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसके प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि टेक 1 ग्राम ऑफ सैंपल, 1 ग्राम सैंपल लेते हैं जिसका लिमिट टेस्ट करना है। उसमें 2 ml डाइल्यूट HCl मिलाते हैं, फिर 2 ml HCl मिलाने के बाद 45 ml वाटर ऐड करते हैं उसी में, फिर 5 ml बेरियम सल्फेट ऐड करते हैं। 5 मिनट के लिए साइड से रख देते हैं। एक टर्बिडिटी डेवलप हो जाएगी, धुंधलापन सा डेवलप हो जाएगा, पूरे पानी जो लिक्विड होता है वो क्लियर नहीं रहेगा, टर्बिडिटी सी हो जाएगी, धुंधलापन सा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम, टेक 1 ml पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं और 2 ml उसमें HCl ऐड कर देते हैं, 45 ml वाटर डालते हैं और 5 ml डालते हैं सॉल्यूशन ऑफ BSO मतलब बेरियम सल्फेट डालते हैं। 5 मिनट के लिए साइड से रख देते हैं और टर्बिडिटी डेवलप हो जाती है। फिर इसमें हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि इफ द टर्बिडिटी इन टेस्ट सॉल्यूशन, जो धुंधलापन है वो अगर टेस्ट सॉल्यूशन में ज़्यादा है, नहीं जो धुंधलापन है वो टेस्ट सॉल्यूशन में कम है और इसमें ज़्यादा है, तो हमारा जो सैंपल है वो लिमिट टेस्ट को पास कर लेता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।